हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को याद है, हम बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने अपना यूनिट नंबर 3 वाणिज्य गणित को कंप्लीट कर लिया है। वाणिज्य गणित में हमने केवल एक ही अध्याय पढ़ा हुआ है, बैंकिंग एवं कराधान, उनको भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते थे, जितने भी कॉन्सेप्ट बनते थे, सारी चीजों को अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। आज की इस क्लास में हम अपने यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति जो आपका यूनिट है ना, इसमें आपको दो अध्याय पढ़ने के लिए मिलने वाले हैं, अध्याय 9 और अध्याय 10। तो बिल्कुल आ जाइए मेरे साथ और जुड़ जाइए और आज के सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा जो मिशन चल रहा था, उस मिशन का नाम क्या, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, उस टॉपिक का नाम क्या है, अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकरण। और ये होने वाला है भाग एक, कौन सा भाग एक होने वाला है। जी हाँ बच्चों, देखो जैसे कि मैंने आपको ब्लूप्रिंट वाले और स्ट्रेटेजी वाली क्लास में बता दिया था कि इस अध्याय से हमेशा आपको दो जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 नंबर के लिए रहेगा और एक जो क्वेश्चन आएगा वो 6 नंबर के लिए रहेंगे। तो टोटल मैं बात करूं, इस अध्याय में मैं आपको 5 पार्ट की वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में यानी कि आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पूरा का पूरा फॉर्मूला पर। जितना भी आप फॉर्मूला अध्याय 9 में यूज करते हो और अध्याय 10 में यूज करते हो, यानी कि त्रिकोणमिति अध्याय में जितना भी आप फॉर्मूला यूज करते हो, उन सभी फॉर्मूले को बस हम एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा, जहां पर मैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन पर बात करूंगा। 3rd और 4th दोनों पार्ट में हम 2 अंक वाले प्रश्नों पर बात करेंगे। फिर 5वें नंबर के पार्ट पर हम बात करेंगे 6 नंबर वाले बड़े प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो इस तरह से इस अध्याय में मैं आपको टोटल 5 पार्ट की वीडियो देने वाला हूं। थोड़ा सा लंबा चल सकता है क्योंकि ये जो अध्याय ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा नंबर के लिए आते हैं और अधिकांश बच्चों को ये कंफ्यूजन लगता है। तो हम इसलिए इसको एकदम बारीकी से समझेंगे, एकदम डीपली जाकर समझने वाले हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये कंफ्यूजन भी रहता है। बिल्कुल, तो चलिए आज की फार्मूला को हम पढ़ लेते हैं। जितने भी फार्मूला हम यूज करने वाले अध्याय 9 और अध्याय 10 में, सब फार्मूले को मैं एक ही जगह लिखा देना चाहूंगा। बिल्कुल पेन और कॉपी आपके पास में होना चाहिए। जो मैं लिखवाने वाला हूं, जो मैं पढ़ाने वाला हूं, उसको एक एक चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना। देखो, तो आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, जो आपका त्रिकोणमिति अध्याय होता है ना, वो पूरा का पूरा बेस होता है आपका कौन से, समकोण त्रिभुज पर। किसका, समकोण त्रिभुज पर। तो बिल्कुल आप क्या करो, पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो। क्या कर लो, एक समकोण त्रिभुज बना लो। बिल्कुल देखो, मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं एक समकोण त्रिभुज। यहां पर देखो, यहां पर मैं छोटा सा प्यारा सा एक समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया है। और आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होते हैं और 3 कोण बनते हैं। ये कॉमन बात है जो आपको पता होनी चाहिए। मैंने क्या कहा कि किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती है और 3 कोण बनते हैं। उन 3 कोणों का अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये चीज भी आपको मालूम होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया गया है कि त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग कितना हुआ, तो बिल्कुल आपका जवाब आना चाहिए 180 अंश। बिल्कुल सर, चलो अब देखो, ये है हमारा समकोण त्रिभुज। अब इसमें 3 शीर्ष होते, चलो हमने कहा इसको ए, ये हो गया शीर्ष बी और ये हो चुका हमारा शीर्ष सी हो चुका। अब यहां पर भुजा 3 है, ये ए बी भुजा, ये बी सी भुजा और ये ए सी भुजा। 3 भुजाएं हो चुकी है, 3 कोण भी बनते हैं। यहां पर 1 कोण बनेगा, यहां पर 1 कोण बन रहा है और यहां पर 1 कोण बन रहा है। अब यहां पर जो कोण बन रहा है ना, यहां पर कोण बी जो बन रहा है वो 90 अंश का है, यानी कि कोण बी जो है वो क्या है, समकोण है। कोण बी क्या बच्चों, समकोण है। अब मान लेते हैं कि अज्ञात कोण जिसे हमने थीटा से दर्शाया हुआ है वो यहां पर बना है। कहां पर बना है, यहां पर बन चुका है। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब देखो, मैं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर बोलने जा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। देखो देखो, हमें पता है कि यहां पर जो कोण बी का मान है वो 90 अंश है, मतलब कि समकोण है। और समकोण यानी कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं बच्चों, कर्ण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि समकोण यानी कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर खाली स्थान बिल्कुल देखने के लिए मिलने वाला है। देखो, अब यहां पर थीटा कोण बना हुआ है, थीटा कोण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। बिल्कुल सर, ये भी कहानी अच्छे से क्लियर है।
एक भुजा बच चुकी है बीसी। अब इस बीसी भुजा को भी हम नाम दे देते हैं आधार। क्या नाम दिए? आधार नाम दिए। तो तीनों भुजाओं का हमने नामकरण कर लिया है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब, और एक जो भुजा बच चुकी है ये हमारा कहलाएगा बिल्कुल सर आधार कहलाएगी। यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। अब मान लो कि थीटा जो अभी यहाँ पर बना हुआ है, थीटा अगर यहाँ पर बन जाएगा तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? ये बीसी हो जाएगी। और हमें पता है कि थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो आधार बदल जाएगा लंब में, और लंब बदल जाएगा किसमें? आधार में बदल जाएगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण का कर्ण ही रहेगा। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर रहेगा। तो थीटा को देखना है, थीटा के सामने वाली भुजा हमारा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी अच्छे से समझ में आ चुकी है। देखो अब समकोण त्रिभुज इतना सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज याद आना चाहिए। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय। भाई पाइथागोरस प्रमेय के बिना ये तो समकोण त्रिभुज अधूरा सा है ना। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज पर लगता है। देखो मैं यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी बता देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है? चलो आ जाओ। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो हमारा क्या कहता है, अब इसको अच्छे से सुनना। देखो पहली बात तो पाइथागोरस जो प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज पर लगता है। कहां पर लगता है? समकोण त्रिभुज पर लगता है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है बाकी दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मैंने क्या बात कह दी सर? देखो मैं बोल रहा हूं कि पाइथागोरस प्रमेय जो है वो समकोण त्रिभुज पर लगता है, और समकोण त्रिभुज में यहां पर क्या बनता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, जो कर्ण का जो वर्ग होता है वो बाकी दो शेष भुजाएं, कौन कौन सी भुजा बच चुकी है? ये लंब और ये आधार, यानी कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, दो बाकी शेष भुजाओं के वर्गों के योग के, योग बोला तो यहां पर हमने लगाया धन, के बराबर होता है। यानी कि यहां पर हमें लगाना पड़ेगा बराबर का चिन्ह। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय क्या हो चुका कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो बाकी दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहां तक की सर बिल्कुल कहानी क्लियर है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लाइन को एक बार परीक्षा में पूछ लिया गया था, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बिल्कुल सर याद हो चुका। चलो अब देखो बच्चों, हम त्रिकोणमिति अध्याय में 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ते हैं। कितने? 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ते हैं। चलो सबके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करते हुए चलते हैं। देखो आ जाओ। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा। क्या? साइन थीटा के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे, हमारा आएगा कॉस थीटा, फिर हमारा आएगा टैन थीटा। ये तीन अनुपात हो चुके हैं, तीन अनुपात में यहां पर लिख रहा हूं। अगला हमारा आता है कॉसेक थीटा। देखो कॉसेक थीटा, फिर आता है हमारा सेक थीटा, फिर हमारा आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, देखो ये 6 हमारे अनुपात हो चुके, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी है। अब साइन थीटा का अनुपात क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि साइन थीटा का सर अनुपात क्या बनेगा। देखो तो इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना, लाल कका। क्या सर? लाल कका, ये आपको याद रख लेना। बिल्कुल सर याद हो चुका कि लाल कका हमें याद रखना है, लाल बटा कका हमें याद रखना है। बिल्कुल सर देखो आ जाओ, अब अपने आ जाओ त्रिकोणमिति अनुपात पर। देखो तो आपको यहाँ पर 6 अनुपात दिखने वाले हैं। जो पहला नंबर का अनुपात दिख रहा है ना एल बटा के, अब देखो यहाँ पर मैं इसका फुल फॉर्म भी लिख रहा हूँ। एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब क्या होता है बच्चों? लंब होता है। ए का मतलब होता है आधार। ए का मतलब क्या होता है? आधार होता है सर। बिल्कुल यहाँ तक की भी कहानी क्लियर है। फिर यहाँ पर बच्चों का के, और के का मतलब क्या होता है सर? कर्ण होता है। बिल्कुल सर ये कर्ण होता है। अब यहाँ पर जो आपको पहला अनुपात दिखेगा ना, लंब बटा कर्ण, एल मतलब की लंब और के मतलब की कर्ण, ये साइन थीटा का अनुपात होता है। किसका होता है? साइन थीटा का अनुपात होता है। तो साइन थीटा का अनुपात क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बिल्कुल देखने के लिए मिल सकता है। तो साइन थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं सर लंब बटा मैं लिख सकता हूं कर्ण। बिल्कुल ये हो चुका हमारा साइन थीटा का मान। दूसरा नंबर को जो आपको अनुपात दिख रहा है आधार बटा कर्ण, ये ए फोर क्या होता है? आधार होता है। के फोर क्या होता है? कर्ण होता है। तो आधार बटा जो कर्ण होता है वो कॉस थीटा का अनुपात होता है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? आधार बटा कर्ण लिख सकता हूं। बिल्कुल सर लिख सकते हैं, ये हो चुका आधार बटा कर्ण। क्या हो चुका? आधार बटा ये हो चुका हमारा कर्ण। बिल्कुल सर यहां तक की भी कहानी क्लियर है।
अगला जो आपको अनुपात दिख रहा है ना, लंब बटा आधार, एल मतलब की लंब और ए मतलब की आधार, तो लंब बटा जो आधार है वो टेन थीटा का अनुपात होता है। तो टेन थीटा बराबर मान लिख सकता हूँ लंब बटा आधार। क्या लिख सकता हूँ सर? मान लिख सकता हूँ लंब बटा आधार। ये हो चुका चलो लंब बटा आधार। बोलो यहाँ तक की कहानी अच्छे से क्लियर है सर? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। देखो अब देखो ये तीन अनुपात तो हो चुके, अब सर ये तीन अनुपात हमें कहां से मिलेंगे? देखो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो अभी मैंने लाल बटा कक लिखा हुआ था, अब इसी को उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर दो, कक को ऊपर लेके जाओ और लाल को नीचे ला लो, लाल को क्या करो नीचे ला लो, लाल को मैंने ला लिया सर नीचे। बिल्कुल अब यहाँ पर फिर से आपको तीन त्रिकोणमिति अनुपात दिखने वाले हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे पहले में के बटा एल, के का मतलब होता है कर्ण और एल का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ लंब, तो कर्ण बटा जो लंब है ना वो कौशिक थीटा का अनुपात होता है। बिल्कुल यहाँ तक की भी कहानी क्लियर है? तो कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा सॉरी कर्ण बटा ये हो जाएगा लंब। कर्ण बटा क्या हो चुका है, ये हो चुका लंब। बिल्कुल सर ये भी कहानी अच्छे से क्लियर है। दूसरा नंबर का अब आपको अनुपात दिखेगा जो कि क्या है, कर्ण बटा आधार है, कर्ण बटा आधार, और ये होगा सेक थीटा का अनुपात। बिल्कुल लिख दो, चिपका दो यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया कर्ण बटे में क्या आ जाएगा, ये हमारा आ चुका सर आधार। क्या आ चुका, आधार आ चुका। बिल्कुल सर यहां तक की भी कहानी क्लियर है। देखो तीसरा जो आपको अनुपात दिख रहा है ना, आधार बटा लंब, अब यहाँ पर देखो आधार बटा जो लंब है वो कॉट थीटा का अनुपात हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ आधार बटा लंब, आधार बटा मैंने यहाँ पर लग दिया लंब। बिल्कुल सर ये कहानी क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने छह त्रिकोणमिति अनुपात तो अच्छे से लिख लिया सर, यहाँ तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, क्या देखो देखो ये छयो त्रिकोणमिति अनुपात को देखो और कॉमन बात निकालो सर, इसमें क्या क्या हमें रिलेशन मिल रहा है, क्या क्या हमें इसमें संबंध मिल रहा है, रिलेशन मिल रहा है। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा में पहले नजरे को दौड़ाइए कि दोनों का अनुपात क्या कहता है। यहाँ पर लंब बटा कर्ण था और यहाँ पर कर्ण बटा लंब है, यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। यहाँ पर देखो ना लंब बटा कर्ण है और यहाँ पर इसी को उल्टा कर दिया गया है, तो कर्ण बटा लंब हो चुका है, कि साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। अब देखो मैं इस बात को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इस बात को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो तो साइन थीटा हमें पता है कि साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा के उल्टा होता है, तो उल्टा के लिए हम गणित में एक बटा का यूज करते हैं, एक बटा, अब ये हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो चुका है, कोसेक थीटा हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा के क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। साइन थीटा बराबर हो चुका 1 अपॉन कोसेक थीटा। बिल्कुल सर ये रिलेशन बनना चाहिए। उसी प्रकार से जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा के उल्टा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। ये हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं सर? बिल्कुल हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं। चलो अब cos थीटा और sec थीटा पर अपनी नजरें दौड़ाइए और यहां पर देखिए कि दोनों में कॉमन बात क्या नजर आ रही है। सर यहां पर हमें देखने के लिए मिल रहा है आधार बटा कर्ण और यहां पर इसका उल्टा देखने के लिए मिल रहा है, कर्ण बटा आधार देखने के लिए। तो बच्चों यही तो खेल है, यही तो खेल है ना, कि cos थीटा और ये sec थीटा ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा cos थीटा जो है वो sec थीटा के उल्टा है, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा, और जो sec थीटा है वो cos थीटा के अपोजिट है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो चुका हमारा cos थीटा। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। अब तीसरे नंबर के या ये यहां पर त्रिकोणमिति अनुपात में देखो यहाँ पर tan थीटा और यहां पर cot थीटा है, tan थीटा का जो अनुपात है वो लंब बटा आधार है और cot का आधार बटा लंब, यानी कि उल्टा हो चुका है। तो यहाँ पर फिर से क्या होगा कि tan थीटा जो है वो cot थीटा के अपोजिट है और cot थीटा जो है वो tan थीटा के क्या है, अपोजिट है। बिल्कुल सर हम इस बात को अब लिखना चाहते हैं। देखो तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसके उल्टा भी क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा के उल्टा में क्या है, tan थीटा है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सर ये आपको रटना नहीं, समझने की जरूरत है। मैंने ये त्रिकोणमिति अनुपात कहां कहां से इतने सारे फॉर्मूले लिख दिए, मेरे को एक भी फॉर्मूले याद नहीं होते बच्चों, मैं बस समझा हुआ हूं। आपको रट्टा नहीं मारना है, हर एक चीज को बारीकी से समझना है। रटोगे तो बिल्कुल आप भूल जाओगे, कंफ्यूज में रहोगे, इसलिए हर एक चीज को बारीकी से समझना पड़ेगा। बिल्कुल यहां पर मैंने आपको पूरा सूत्र लिखवा दिया त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित। चलिए अब देखो यहां पर मैंने छह आपको त्रिकोणमिति अनुपात बताए हुए हैं, दो आपको और याद रखने, कौन कौन से सर? बिल्कुल आ जाओ, देखो देखो
यहाँ पर मैं आपको और कुछ चीजें बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ आपको टेन थीटा के बारे में। टेन थीटा में एक अनुपात और निकलता है, वो क्या? देखो जो टेन थीटा होता है ना वो साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात के बराबर होता है। मैंने क्या कहा कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि टेन थीटा बराबर हम कह सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो चुका? साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो चुका। सर ये भी फॉर्मूला अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमें कॉट का भी याद रखना है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, इसी को उल्टा कर दो, कॉस को ले चलो ऊपर पर और साइन को ला लो कहां पर? नीचे में ला लो। सर बिल्कुल यहां तक की भी कहानी क्लियर है कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये मैंने आपको आठ त्रिकोणमिति अनुपात यहां पर लिखवा दिए हुए जो कि आपको हर हाल में याद करने होंगे, समझने पड़ेंगे। बिल्कुल यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा ही जाएगा। चलिए इस फॉर्मूले को हमने देख लिया, अब बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। यहां पर क्या दिया हुआ है? देखो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण दिया गया। बिल्कुल, तो मुख्य रूप से हम तीन त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड हम छह और निकालते हैं। तो पहले जो मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात है इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। देखो देखो तो सबसे पहला नंबर हमारा आता है, देखो यहां पर मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होता है सर? ये होता है वन। क्या होता है? वन होता है। बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये सर हमारा होता है वन। बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। सेकंड नंबर का हमारा जो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण बनने वाला है वो क्या है? यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये होता है सर सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो चुका? सेक स्क्वायर थीटा हो चुका। बिल्कुल सर ये सूत्र भी हमें अच्छे से याद हो चुके। तीसरा नंबर आ जाओ, बिल्कुल तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर का जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो चुका बच्चों? कॉसेक स्क्वायर थीटा हो चुका। ये तीन त्रिकोणमिति सर्व समीकरण आपको याद रखने होंगे। अब इसी से संबंधित मैं आपको छह और त्रिकोणमिति सर्व समीकरण बताने वाला हूं। कैसे? देखो कुछ दम नहीं इसमें, आ जाओ इधर देखो, इधर देखो। हाँ बिल्कुल देखो। हाँ तो देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो चुका? वन हो चुका। क्या हो चुका सर? वन हो चुका। अब देखो यहां पर मैं पक्षांतर करूंगा। चलो मुझे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, मुझे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो मैंने यहां पर कहा कि मुझे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है और ये मेरा चौथा नंबर का त्रिकोणमिति सर्व समीकरण होने वाली है। देखो मैंने साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखा, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने यहीं पर रखा और एक को भी मैंने अपनी जगह पर ही रखा। मैं कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर रहा हूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा अभी कहां पर है? धन में है, तो उधर जाकर ये ऋण बदल जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर ये फॉर्मूला भी हमें याद हो चुका, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, मुझे निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो मैंने क्या किया? कॉस स्क्वायर थीटा को कर दिया पक्षांतर, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें मिल चुका वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर बिल्कुल ये हमें मिल चुका, ठीक है। चलो अब मान लेते हैं कि मुझे निकालना यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने अपनी जगह पर रखा, वन को भी मैंने अपनी जगह पर रखा, अब की बार मैं साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर देता हूं, तो ये हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो चुका? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो चुका। बोलो यहां तक की भी कहानी अच्छे से क्लियर है? कैसे? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। देखो तो एक फॉर्मूले में हमने तीन और त्रिकोणमिति समीकरण बना लिए हुए, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण बना चुका, ठीक है सर। बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर। अब देखो दूसरा नंबर पे आते हैं, दूसरा नंबर पे आ जाओ। देखो आ जाओ यहां पर क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। चलो मैंने यहां पर लिखा छठवां नंबर का और 1 को वहीं पर रखा, 1 को हमने चेंज नहीं किया, 1 को अपनी जगह पर ही रखा, सेक स्क्वायर थीटा को भी मैंने चेंज नहीं किया। मैं जो चेंज करने जा रहा हूं वो टेन स्क्वायर थीटा को है, तो टेन स्क्वायर थीटा को मैं उस साइड पक्षांतर करूंगा, तो ये अभी धन में है, तो उस साइड जाकर ये बदल जाएगा सर ऋण में। बिल्कुल ये बदल चुका, ऋण में बदल चुका, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा वन। क्या हो चुका? वन हो चुका। अब सातवां नंबर का फॉर्मूला देखना क्या बनेगा।
देखो मुझे यहाँ से अब टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो मैंने यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखा है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा को भी मैंने कोई चेंज नहीं किया, जो मैं चेंज करने जा रहा हूँ वो एक के करूंगा, एक को मैं उस साइड लेकर जाऊंगा, तो अभी धन में है तो उस साइड जाकर ये क्या बदल जाएगा, सर ये बदल गया ऋण में। किसमें? ऋण में। देखो इतना ईजी है, कुछ फार्मूला तो है ही नहीं, बस आपको सीखना पड़ेगा कि ये फार्मूला कहाँ से आप अपना गलत फहमी पा लेते हो कि सर इतना सारा फार्मूला लिखा है कैसे याद करेंगे। भाई ये फार्मूला नहीं है, एक बार समझने की कोशिश तो करो, बिल्कुल भी फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आपको कॉन्सेप्ट कुछ समझना है कि मैं कहां से फार्मूले को जितने भी सूत्र लिखवा रहा हूं वो कहां से आ रहा है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है सर, बिल्कुल। अब देखो यहां पर इसका काम तमाम हो चुका, अब आते हैं यहां पर। देखो चलो आ जाओ, देखो तो अब देखो मुझे चलो यहां पर निकालना आठवां नंबर का फार्मूला। मैंने एक को अपनी जगह पर लिखा, एक को अपनी जगह पर लिखा, वापस से वही कहने इसको मैं अपनी जगह पर लिखूंगा और कॉट स्क्वायर थीटा को मैं इस साइड पक्षांतर करूंगा, तो ये अभी धन में है तो उस साइड जाकर ये बदल जाएगा माइनस में। तो मैं पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा को अपनी जगह पर लिखा, मुझे करना है कॉट स्क्वायर थीटा को पक्षांतर, तो ये बदल चुका माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये भी होता है वन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक साल इसी को पूछ लिया गया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो बिल्कुल आपका जवाब होना चाहिए सर ये होता है। चलो अब आते हैं नौवां नंबर पर। ठीक है, अब देखो मुझे यहां से निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो मैंने क्या किया कॉट स्क्वायर थीटा को अपनी जगह पर ही लिखा, बिल्कुल सारा लिख दिया। फिर क्या करेंगे, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा को भी मैं अपनी जगह पर लिखना चाहता हूं, इसको भी मैंने चिपका दिया अपनी जगह पर। उसके बाद देखो ये जो एक दिख रहा है ना, इस एक को भगाओ इस साइड, ये धन एक है वो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, ऋण एक बदल जाएगा। तो यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल चुका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन मिल चुका। तो हमें ये तीन त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण याद रखना है, और उसी से संबंधित मैंने यहां पर छह और त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण लिख दी हुए। तो इस तरह से टोटल हम नौ त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यूज करने वाले हैं इन नौ त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों को कहां पर, इस अध्याय में, इस सवाल में जब हम सवालों पर आएंगे तो इन फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, बिल्कुल इसको समझ जाना। चलिए अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर, और ये है हमारा पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। क्या पूछ लिया है, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, बिल्कुल आ जाओ, देखो आ जाओ देखो। तो डालिए फर्स्ट नंबर, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां से हर साल आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। देखो ये क्या होता है, तो ये होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ये होता है सर कॉस थीटा। क्या होता है सर, ये होता है सर कॉस थीटा। यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। अब देखो दूसरा नंबर आ जाओ, अब यहां पर हम बदल देते हैं। देखो साइन और कॉस का मैं बदल रहा हूं, देखो यहां पर साइन है तो साइन की जगह मैं इस कॉस को यहां पर ला देता हूं, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, कॉस की जगह हम यहां पर इस साइन को ला लेंगे, ये हो चुका सर साइन थीटा। दो मैंने पूरक त्रिकोणमिति अनुपात आपको बता दिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है सर, बिल्कुल यहां तक ही क्लियर है। फिर सेकंड नंबर, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ये क्या होता है सर, साइन थीटा होता है। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो आ जाओ वापस, फिर देखो दूसरा नंबर। अब यहां पर देखो मैं लिखने जा रहा हूं कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ये होता है सर टेन थीटा। क्या होता है सर, टेन थीटा होता है। इसका कैसे यूज करेंगे, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन पर, इसको हम जब प्रश्न आएगा ना उस टाइम समझने वाले हैं। बिल्कुल यहां पर देखो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो चुका, टेन थीटा हो चुका सर, बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है। फिर चौथा नंबर देखो, अब हम कॉट की जगह इस टेन को लाएंगे और इस टेन की जगह इस कॉट को ले जाएंगे, तो बिल्कुल कॉट की जगह ये टेन को चिपका दिए सर, ये हो चुका टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, इस टेन की जगह इस कॉट को चिपकाओ तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। बिल्कुल सर यहां तक की भी कहानी हमें अच्छे से क्लियर है। देखो अब आओ नेक्स्ट, और आओ देखो फिर अगला जो हमारा आता है वो है पांचवा नंबर। देखो पांचवा नंबर, अब देखो साइन मिल चुका, कॉस मिल चुका, कॉट मिल चुका, टेन मिल चुका, दो चीज बच चुके सेक और कौन सा, सेक और कॉसेक, इन दोनों में रिलेशन होता है। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कॉसेक थीटा। क्या हो चुका सर, कॉसेक थीटा हो चुका, बिल्कुल सर यहां तक की भी कहानी क्लियर है। अब देखो
सेक की जगह हम इस कौशिक को लिखोगे और इस कौशिक की जगह हम इस सेक को चिपका देंगे। चिपका दो, ये क्या रहा, देख चिपका चिपका, सेक की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे कौशिक को, ये हो जाएगा कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, कौशिक की जगह हम इस सेक को चिपकाएंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा। तो ये आपको छह पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात याद रखने होंगे। बिल्कुल सर, यहाँ तक की कहानी भी अच्छे से क्लियर है। अब इसका हम अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इसका अप्लाई कैसे करेंगे एक चीज आपको बता देता हूँ। देखो देखो देखो, मान लो कि यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है साइन 90 माइनस 45। देखो अब हमारा फॉर्मूला यहाँ पर कैसे बैठेगा, हमने पढ़ा हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। बिल्कुल देखो, तो साइन बदलता है किस में, कॉस में। अब यहाँ पर दूसरा नंबर में जो लिखा हुआ थीटा, 90 अंश के बाद में जो लिखा हुआ थीटा ये लिखाता है, तो हमें पता है कि साइन बदलता है कहाँ पर, कॉस में बदलेगा। अब हम 90 को छोड़ देंगे, कहाँ पर पहुंच जाएंगे, ये हो जाएगा 45 अंश। तो इस तरह से हम इसका यूज करने वाले हैं, साइन 90 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हम इसका यूज करने वाले हैं। बिल्कुल आगे जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको छह पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात भी याद रखने होंगे, सब बिल्कुल याद हो चुके। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर, जो कि क्या दिया गया इसको अब समझते हैं। देखो हाँ, अब हमें करना कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, क्या दिया गया है, कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे टेबल, क्या बनाएंगे सर, टेबल बनाएंगे। देखो तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को टाइम बचाने के लिए फटाफट मैंने क्या किया, एक सुंदर सा बना लिया टेबल। इसी प्रकार से टेबल आपको भी अपनी कॉपी पर जल्दी से बना लेना। अब देखो सर, इस टेबल में हम क्या क्या भरेंगे, अब इस बात को समझते हैं। आज बिल्कुल देखो, तो सबसे पहले नंबर के खाने में हम भरेंगे कोण अनुपात, क्या भरेंगे सर, कोण अनुपात भरेंगे। थोड़ा स्पीड से करेंगे, अब ये हो जाएगा सर कोण अनुपात, मैंने यहां पर लिख दिया कोण अनुपात। फिर यहां पर ये हो जाएगा 0 अंश, फिर ये हो जाएगा 30 अंश, यहां पर ये हो चुका 45 अंश, फिर ये हो चुका 60 अंश, और ये हमारा हो चुका सर 90 अंश हो चुका। बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है सर। अब देखो कोण अनुपात की पंक्ति है, कोण अनुपात के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, तो कोण अनुपात वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, हमें मालूम है कि हमने छह प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात अब भी पढ़ करा हुआ है, सबको चिपका देंगे। ये हो जाएगा साइन थीटा, फिर हमने पढ़ा हुआ था कॉस थीटा, ये हो चुका कॉस थीटा, फिर हमने पढ़ा हुआ टेन थीटा, ये हो चुका टेन थीटा, फिर अगला हमारा आता है सर कॉसेक थीटा, फिर अगला हमारा आता है सर सेक थीटा, और फिर अगला हमारा आता है सर कॉट थीटा होता है। चलिए फटाफट से हम इस टेबल को भर लेते हैं। देखो बिल्कुल आपको याद नहीं रख रहे हैं, हर एक चीजों को याद नहीं कर सकते, हमें समझना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो तो ये पहली वाली पंक्ति साइन के लिए, बस सभी अंशों के मानों को आपको याद रखना है, बाकी को हम निकाल लेंगे कैसे। देखो साइन 0 अंश का मान क्या होता है सर, साइन 0 अंश का मान 0 होता है। यहां पर साइन 30 अंश का मान क्या होता है सर, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 होता है, यहां तक की भी कहानी क्लियर है। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, तो ये होता है √3/2 होता है। साइन 90 अंश का मान क्या होता है सर, ये होता है 1। बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है। अब देखो हमें निकालना है कॉस का मान, कॉस वाली पंक्ति को भरना है, तो हम क्या करेंगे, साइन को उलट कर लिख देंगे। यहां पर मैं इसको पहले, इसको बाद में, फिर इसके बाद में, फिर इसके बाद में, फिर लास्ट में इसको लिख दूंगा, बस इसको जमा के लिख देंगे। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से करेंगे। तो सर कॉस 0 अंश का मान क्या हो चुका, 1 हो चुका। कॉस 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2। फिर कॉस 45 अंश का सर क्या मान होगा, तो ये 1/2 हो जाएगा वर्गमूल। सर ये कॉस 60 अंश का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/2, क्या हो चुका 1/2। सर कॉस 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, यहां पर सर मैंने लिख दिया 0। कैसे कैसे आया, मैंने आपको हर एक चीज अच्छे से समझा दिया, ठीक है। साइन और कॉस वाले को हमने अच्छे से फिल कर लिया। अब देखो अब बारी आती है सर टैन वाले का, अब टैन वाले का हम क्या करेंगे। देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला जो अभी अभी मैंने आपको बताया, बता कि क्या, कि टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, ये होता है सर कॉस थीटा। अब देखो इस बात को समझो, हमें टैन वाली पंक्ति को भरना है और टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, यानी कि अगर मैं दोनों को भाग दे दूंगा तो मुझे टैन वाली पंक्ति मिल जाएगी। अब देखो इन दोनों को भाग देंगे तो हमें टैन 0 अंश का मान मिल जाएगा, तो 0 को अगर मैं 1 से भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर, 0 मिलता है, क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो यहां पर चिपका दूं 0 को, मैंने चिपका दिया 0 को, आज देखो देखो
ये हो जाएगा जीरो, बिल्कुल सर। फिर मुझे निकालना है टेन तीस अंश के मान, तो दोनों को मैं भाग दूंगा। देखो एक बार मैं भाग देकर दिखा रहा हूं, बार बार मैं भाग नहीं दूंगा। देखो कैसे यहां पर भाग करेंगे, इसको मैं इससे भाग दूंगा। मैं बोल रहा हूं कि एक बटा दो को, एक बटा दो है ना, एक बटा दो है, एक बटा दो को भाग दो। किससे भाग दोगे, ये भाग दोगे वर्गमूल तीन बटा दो से। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी क्लियर। अब देखो हम भाग को बदलेंगे गुणा में, भाग को बदलेंगे गुणा में, तो एक बटा दो को मैंने कोई चेंज नहीं किया, भाग को बदलूंगा गुणा में तो दो जाएगा ऊपर में और वर्गमूल तीन नीचे में ही रह जाएगा। ये दो से ये दो निपट गया तो ऊपर में बचा सर एक बचा हुआ है और नीचे में क्या बचा हुआ है सर, ये बचा हुआ है वर्गमूल तीन। तो इस तरह से मैंने भाग दे दिया। अब मैं आपको बार बार भाग देकर नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये खुद आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, देखो तो दोनों का मैं भाग दूंगा, ये हो जाएगा एक बटा वर्गमूल तीन। बिल्कुल सर, यहां तक कहानी हम अच्छे से क्लियर है। दोनों को भाग देंगे, ये दोनों कट जाएंगे तो हमें मिल जाएगा सर एक मिल जाएगा। अब इन दोनों को भाग देंगे तो ये दो और ये दो कट जाएगा तो हमें यहां पर मिल जाएगा वर्गमूल तीन। अब एक को मैं जीरो से भाग दूंगा, तो जब भी हम किसी भी संख्या को जीरो से भाग देते हैं तो वो भाग नहीं जाता है, अनडिफाइंड होता है, अनिर्धारित होता है। क्या होता है, अनिर्धारित होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे अनिर्धारित, अनिर्धारित, जिसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये हमारा हो चुका अनिर्धारित। बिल्कुल सर, यहां तक की भी कहानी क्लियर है। चलो अब देखो कॉसेक थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे, तो साइन और कॉस में मैंने एक रिलेशन बताया होता कि क्या, कि कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा के क्या होते हैं बच्चों, उल्टा होते हैं। यानी कि साइन के जो भी मान है, साइन के जो भी मान है उसको हम क्या करेंगे, एक के नीचे में रखेंगे और हमें सबका मान मिल जाएगा, कौशिक के जितने भी मान है वो मिल जाएगा। ये देखो मुझे कौशिक वाली पंक्ति को पूरा भरना है तो मैं कौशिक वाली पंक्ति को ध्यान में दूंगा और ये साइन वाले पंक्ति को ध्यान में दूंगा। देखो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, एक बटा साइन थीटा, तो जो जीरो लिखा हुआ है उसको एक के नीचे में लिख लो, तो एक बटा जब हम जीरो करेंगे, और अब भी मैंने बताया होता कि एक बटा जीरो यानी कि किसी भी संख्या को हम जीरो से भाग देंगे तो वो भाग नहीं जाता है, अनडिफाइंड होता है, अनिर्धारित होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे अनिर्धारित, अनिर्धारित, ठीक है सर, यहां तक की भी कहानी क्लियर है। फिर आते हैं इस पर, यहां पर मैं एक के नीचे में लिखूंगा एक बटा दो, दो जाएगा ऊपर में, दो कहां पर जाएगा ऊपर में जाएगा, तो यहां पर केवल बच चुका दो, दो बटा एक आता, लेकिन हर के एक को लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो ओनली हमें मिल चुका यहां पर दो मिल चुका सर। बिल्कुल यहां तक की भी कहानी क्लियर है। फिर इसको मैं एक के नीचे में लिखूंगा तो ये हो जाएगा एक बटा वर्गमूल दो, वर्गमूल दो जाएगा ऊपर में, तो यहां पर यह हो चुका वर्गमूल दो। कैसे होगा समझ में आ रहा ना। अब इसको देखो यहां पर इसको मैं एक के नीचे में लिखूंगा, एक बार मैं आपको लिखकर बता भी देता हूं। देखो ये हो चुका एक बटा वर्गमूल तीन बटा में दो, दो जाता है ऊपर में, भाग बदलता है गुणा में, वर्गमूल तीन अपने जगह पर लिखा गया, तो ये हो जाएगा दो बटा वर्गमूल तीन सर, हमें मिल चुका, अच्छे से मिल चुका, बिल्कुल। फिर यहां पर देखो एक के नीचे में मैं क्या लिखूंगा, एक लिखूंगा, तो एक को एक से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, एक मिल चुका। बोलो यहां तक की भी कहानी क्लियर है सर, अच्छे से क्लियर है। अब देखो दो और बच चुके हैं, किसका किसका बच चुका है, तो अब बच चुका है सेक और कॉट का। देखो तो सेक और कॉट में देखो सेक का जो रिलेशन बनता है वो कॉस के साथ बनता है, कि मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा इज इक्वल टू ये होता है वन अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इस बात को नोटिस करें। अब देखो हमें निकालना सेक थीटा का मान, तो आपकी जो पूरा नजरें हैं वो सेक वाली पंक्ति पर और ये कॉस वाली पंक्ति पर होनी चाहिए। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको एक के नीचे में लिखूंगा, क्यों, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है, वन अपॉन कॉस थीटा है, तो मैं एक को एक के नीचे में लिखूंगा तो एक बटा एक करेंगे सर, ये एक ही आएगा, क्या आएगा, एक ही आएगा। अब इसको मैं एक के नीचे में लिखूंगा तो दो जाएगा ऊपर में, दो चला गया ऊपर में और वर्गमूल तीन नीचे में ही रह जाएगा सर, यहां पर ये आ चुका। इसको एक के नीचे में लिखूंगा तो ये जो वर्गमूल दो है वो ऊपर में जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल दो। बिल्कुल सर, यहां तक की भी कहानी क्लियर है। फिर एक के नीचे में एक बटा दो रखूंगा, दो जाएगा ऊपर में, दो चला गया ऊपर में सर, यहां तक की भी कहानी क्लियर है। अब देखो यहां पर जो जीरो लिखा हुआ है मैं क्या करूंगा, एक के नीचे में लिखूंगा तो ये हो जाएगा एक बटा जीरो, क्या हो चुका सर, एक बटा जीरो हो चुका। और अब भी मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर हर में जीरो है, किसी भी संख्या को जब आप जीरो से भाग देना चाहोगे तो वो भाग नहीं जाएगी, भाग नहीं जाएगी, वह अनडिफाइंड होता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अनिर्धारित, देखो अनिर्धारित, ठीक है, कई कई बुक में इसकी जगह आपको अनंत भी देखने के लिए मिल जाता है, अनिर्धारित मैंने लिख दिया। अब देखो कॉट का मान कैसे निकालेंगे, देखो
तो टैन और कॉट में कुछ मैंने आपको रिलेशन बताया हुआ था कि नहीं बताया हुआ था, बिल्कुल सर बताए हुए थे कि क्या होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan θ होता है, या तो चाहो तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, कहां से कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है cos θ / sin θ होता है, दोनों में से कोई सा भी आप एक रिलेशन का यूज करके कॉट का मान निकाल सकते हो। चलिए अब देखो आ जाओ, तो हम पहले वाले ही रिलेशन को देख लेते हैं, तो हमें कॉट वाली पंक्ति को पूरा करना है, तो मेरी जो नजरें हैं वो कॉट पर होंगी और ये टैन पर होने वाली है, तो 1/tan θ है, यानी कि टैन के जो भी मान आए हैं उसको मैं एक के नीचे में लिख लूंगा, तो जीरो को जब मैं एक के नीचे में लिखूंगा हर में आ चुका जीरो, इसका मतलब क्या है, ये अनिर्धारित है। क्या है? अनिर्धारित है। चलो यहां पर चिपकाओ अनिर्धारित, मैंने सर चिपका दिया यहां पर, अनिर्धारित है, अनडिफाइंड है, बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर। अब देखो फिर अगला क्या है दिया हुआ, 1/√3 दिया हुआ, इसको मैं एक के नीचे में रखूंगा तो वर्गमूल तीन जाएगा ऊपर में और नीचे में आ जाएगा एक, और नीचे के एक को लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, यहां तक की भी अच्छे से कहानी क्लियर है, बिल्कुल सर। अब देखो यहां पर एक को मैं लिखूंगा एक के नीचे में, तो एक को एक से भाग दूंगा तो मुझे एक ही मिलेगा, बिल्कुल सर। फिर यहां पर मैं क्या करूंगा, वर्गमूल तीन को एक के नीचे में लिखूंगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan θ होता है, तो टेन के मान को मैं एक के नीचे में रखूंगा तो ये हो जाएगा 1/√3 हो चुका सर, बिल्कुल यहां तक की भी कहानी क्लियर है। अब इस बात को समझना, इस वाले लास्ट वाले बात को समझना, मैं क्या करूंगा 1/√3 करूंगा, 1/ क्या करूंगा, अनिर्धारित करूंगा, भाई कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/tan θ ही होता है ना, तो देखो 1/tan θ करूंगा यानी कि 1/ मैं क्या करूंगा अनिर्धारित यानी कि अनंत करूंगा, तो इसको जब भाग दूंगा तो हमें मिलता है जीरो, क्या मिलता है सर, जीरो मिलता है, तो यहां पर ये आ जाएगा जीरो, क्या आ चुका, जीरो आ चुका, बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो हमने कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात को भी जान लिया है, जो ये टेबल ऐसा है तो अधिकांश बच्चों को जो टेबल याद नहीं होता है, तो टेबल आपको याद नहीं रखना है, आपको समझना है कि टेबल कहां से बनता है, ये पहली वाली बस पंक्ति आपको याद रखना है, साइन वाली पंक्ति याद रखना है, फिर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कि ऑटोमेटिक ये टेबल आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल ये टेबल आपको याद हो जाएंगे। तो बच्चों आज की इस क्लास में हमने क्या क्या बात की हुई है, देखो आज की इस क्लास में हमने अपने फॉर्मूले पर बात किए हुए, और फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हुआ था पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले हमने क्या देखा हुआ था, हमने कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात को समझा हुआ था, यहां पर मैं आपको 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताया था। फिर हमने यहां पर क्या डिस्कशन किया, हमने पढ़ा हुआ त्रिकोणमिति सर्वसमिका, 9 प्रकार के मैंने आपको त्रिकोणमिति सर्वसमिकाओं से भी अवगत कराया। फिर अगला हमने क्या पढ़ा है, फिर हमने पढ़ा है पूरा कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, और लास्ट में हमने चर्चा किए हुए थे कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात को, जो कि एक टेबल के फॉर्म में आपको दिया गया है। तो इस तरह से आपके अध्याय 9 और अध्याय 10 में जितने भी त्रिकोणमिति अध्याय से संबंधित, जितने भी त्रिकोणमिति फॉर्मूले से संबंधित फॉर्मूले आते हैं, सूत्र आते हैं, सब फॉर्मूले को मैंने मात्र एक ही वीडियो में बता दिया है, एक जगह बता दिया है, इतने ही फॉर्मूले को आपको पढ़ना है। अब इसी फॉर्मूले के बेस में हम नेक्स्ट क्लास में अपने क्वेश्चन पर आनेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लास होने वाला है, मतलब कि 4 जो पार्ट बचे हुए हैं वो इसी क्लास पर ही बेस है, जिन बच्चों का ये बेस क्लियर हो जाएगा वो आगे के आने वाले 4 पार्ट को यूं ही उखाड़ के फेंक देंगे, बिल्कुल बिल्कुल उखाड़ के फेंक देंगे, आपको पूरे में पूरे अंक मिलने वाले हैं। चलिए अगर वीडियो अच्छे लगेगा तो बिल्कुल लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों तक शेयर करना है। मैं मिलूंगा इसके पार्ट नंबर 2 पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।